हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो रेडियोग्राफी के बारे में फ्रेंड्स आज हम माइक्रो रेडियोग्राफी की डेफिनेशन इंडिकेशन प्रिंसिपल इक्विपमेंट और प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं माइक्रो रेडियोग्राफी के बारे में माइक्रो रेडियोग्राफी फ्रेंड्स सबसे पहले माइक्रो रेडियोग्राफी की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं माइक्रो वेरी स्मॉल एंड थिन ऑब्जेक्ट एंड टिश्यू मतलब यहां पर माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा और थिन मतलब पतला टिश्यू होता है और रेडियोग्राफी का मतलब टू टेक रेडियोग्राफी एंड एक्सरे मतलब बहुत ही छोटे और पतले टिश्यू का रेडियोग्राफी या एक्सरे लेने को ही माइक्रो रेडियोग्राफी कहा जाता है इट इज ए रेडियोग्राफिक टेक्निक इन व्हिच द रेडियोग्राफ ऑफ ए वेरी थिन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेंड मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी एक रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिसमें बहुत छोटी और थिन मतलब पतले ऑब्जेक्ट का रेडियोग्राफ किया जाता है इट गिव्स मिनट डिटेल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी में किसी ऑब्जेक्ट या टिश्यू की इंटरनल स्ट्रक्चर का मिनट मतलब सूक्ष्मतम तरीके से या डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं या उसकी पैथोलॉजी को डायग्नोस कर सकते हैं दिस टेक्निक यूज इन हिस्टोलॉजी शो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड हिस्टेरियोग्राफी मतलब इस टेक्निक का यूज हिस्टोलॉजी या उत्तक विज्ञान में किया जाता है इसलिए इसे हिस्टेरियोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टिश्यू की एक स्लाइस को काट के उसका रेडियोग्राफ लिया जाता है ऑप्टन विद द यूज ऑफ हाई वोल्टेज वेरी स्मॉल फोकल स्पॉट साइज एंड एन अल्ट्राफाइन फिल्म इमल्सन मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी में आमतौर पर हाई वोल्टेज बहुत छोटा फोकल स्पॉट साइज और अल्ट्रा फिल्म इमल्सन का यूज किया जाता है अब हम माइक्रो रेडियोग्राफी क्यों की जाती है मतलब इसके इंडिकेशन के बारे में अपन जानते हैं फर्स्ट नंबर है ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर मतलब ब्रेस्ट टिश्यू में होने वाले कैंसर की स्टडी करने के लिए सेकंड है बोन टिश्यू कैल्शियम असेसमेंट मतलब बोन या हड्डियों के अंदर जो टिश्यू होता है उनमें कैल्शियम का असेसमेंट करने के लिए थर्ड है मिनरल डेंसिटी असेसमेंट इन टिथ मतलब टिथ या दांतों के अंदर जो मिनरल डेंसिटी होती है उसे असेसमेंट करने के लिए माइक्रो रेडियोग्राफी की जाती है अब माइक्रो रेडियोग्राफी के प्रिंसिपल की बात करते हैं मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है टिश्यू हैव डिफरेंट डेंसिटीज इन ए सेक्शन मतलब टिश्यू का जब हम एक सेक्शन या स्लाइस लेते हैं तो एक सेक्शन में डिफरेंट डेंसिटीज मतलब अलग अलग डेंसिटीज होती है वेन द एक्सरे पास थ्रू द सेक्शन ऑफ टिश्यू मतलब टिश्यू के सेक्शन लेने के बाद उसमें से अपन एक्सरे को पास करवाते हैं द एटेन्यूएशन ऑफ वेरियस टिश्यू ऑफ डिफरेंट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म मतलब टिश्यू के सेक्शन के नीचे एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है तो उस फिल्म पर विभिन्न टिश्यू का एक्सरे एटेन्यूएशन डिफरेंट होता है आइए इस डायग्राम की हेल्प से अपन इसके प्रिंसिपल को समझते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे अपन एक यहाँ पर एक टिश्यू लेते हैं इस टिश्यू का अपन एक सेक्शन कट करते हैं। यहां पर अपन ने एक बीच में सेक्शन को कट कर लिया तो इसके ऊपर से जब हम एक्सरे पास करते हैं तो टिश्यू में एक्सरे का एटेन्यूएशन होता है और टिश्यू से एटेन्यूएशन होने के बाद पास हुई एक्सरे इस फोटोग्राफिक फिल्म पर गिरती है और हमें इस फिल्म पर रेडियोग्राफ प्राप्त होता है अब हम इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं मतलब वो में कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं फर्स्ट नंबर है माइक्रोटोम द बोन कटिंग डिवाइस टू कट थिन स्लाइसेस मतलब माइक्रोटोम बोन की थिन मतलब पतली स्लाइस की कटिंग करने वाला एक उपकरण होता है मतलब यह उपकरण बोन या टिश्यू की छोटी छोटी स्लाइस को काटता है सेकंड है माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा स्मॉल फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब विथ ए पॉइंट सोर्स दैट कैन प्रोड्यूस ए सॉफ्ट एक्सरे मतलब माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा में एक स्मॉल फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब होती है और ट्यूब में जो सोर्स होता है वह पॉइंट सोर्स होता है मतलब बहुत ही छोटा सोर्स होता है जो कि हमें सॉफ्ट एक्सरे प्रोड्यूस करता है कंटेंस ए वैक्यूम चैम्बर वेयर फिल्म एंड सेक्शन आर प्लेड मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरे में एक वैक्यूम चैम्बर भी होता है जहां पर हम फिल्म को और सेक्शन को रखते हैं थर्ड नंबर इक्विपमेंट है अल्ट्रा फाइन ग्रेन फिल्म यह फिल्म बहुत छोटे छोटे कणों से या बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है फोर नंबर है माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी में एक माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता होती है अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट की बात करते हैं फर्स्ट नंबर है फोकल स्पॉट एरिया मतलब इसमें जो फोकल स्पॉट एरिया होता है वह है बहुत ही छोटा होता है सेकंड है एक्सपोजर टाइम मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी में जो एक्सपोजर का टाइम होता है वह है बहुत ही कम होता है इसमें सॉफ्ट एक्सरे का ही यूज किया जाता है थर्ड है एक्सपोजर फैक्टर सफिसियंट मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी में बहुत ही कम या याफिसियंट एक्सपोजर फैक्टर का ही यूज किया जाता है अब हम माइक्रो रेडियोग्राफी की प्रोसेस या प्रक्रिया की बात करते हैं मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी कैसे की जाती है सबसे पहले अपन एक माइक्रोटोन लेते हैं टू कट स्लाइस ऑफ टिश्यू फिर हम टिश्यू की स्लाइस को कट करते हैं

एंड व्यूड इन ए माइक्रोस्कोप मतलब फिर हम इमेज को डेवलप करते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं की प्रोसेस को अपन इस डायग्राम के हेल्प से भी समझते हैं यह एक एक्सरे ट्यूब है जो सॉफ्ट एक्सरे प्रोड्यूस करती है और इस ट्यूब में यहां पर एक थिन विंडो होती है जिससे एक्सरे निकलती है इस ट्यूब में यहाँ पर बहुत छोटा फोकल स्पॉट होता है और सोर्स का साइज भी बहुत छोटा होता है इसमें यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर होता है इस चैम्बर में अपन यहाँ पर कोई सैंपल या बोन टिश्यू का सेक्शन और फाइन ग्रेन फिल्म को रखते हैं फाइन ग्रेन फिल्म और सेक्शन का बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट होना चाहिए फिर यहाँ पर रखे सैंपल और सेक्शन को अपन सॉफ्ट एक्सरे से एक्सपोज करते हैं फिर एक्सपोज करने के बाद फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं फिर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो इमेज प्राप्त होती है उसे हम इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं और टिश्यू में कैल्शियम लेवल और मिनरल्स लेवल को देखा जाता है इन दिस टेक्निक ग्रिड इज नॉट यूज्ड। मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी में ग्रिड का यूज नहीं किया जाता है इन दिस डैच माइक्रो रेडियोग्राफी इज अल्टर बाई स्कैन एंड एम मतलब आजकल माइक्रो रेडियोग्राफी को सिटी स्कैन और एमआरआई में कन्वर्ट कर दिया गया है मतलब सि स्कैन और एमआरआई आने के बाद माइक्रो रेडियोग्राफी नहीं की जाती है और ब्रेस्ट कैंसर जैसी डिजीज को देखने के लिए एमआरआई और सिटी स्कैन का ही यूज किया जाता है इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार टिश्यू का एक स्लाइस लेके हम माइक्रो रेडियोग्राफी में स्कोप के द्वारा इसको देखते हैं तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें